और एक्सपर्ट ड्राइवर्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज, कार से जैसे ही उतरते हैं हम, उसमें हम ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि पीछे कोई व्हीकल आ रही है कि नहीं। तो ये आपने ध्यान देना है अपने रियर व्यू मिरर से। इस मिरर में आपको दिख जाएगा पीछे कोई आ रहा हो तो आपने डोर सावधानी से खोलना है। तो अगर कोई आ रहा है तो आप उसका वेट करेंगे, वो पास बाई हो जाएगा, उसके बाद आप डोर ओपन करें। और दूसरी चीज, इसी चीज में जो है, अगर आप डोर ओपन करते हैं, ये जैसे मैंने लॉक ओपन किया, और अगर आप राइट हैंड से डोर ओपन करते हैं, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ, राइट हैंड से ओपन करने से क्या होता है, डोर बहुत दूर तक खुलता है, जैसे कि अभी हुआ है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप राइट हैंड से डोर ओपन नहीं करके, ये अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करें डोर ओपन करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड जैसे ही आप ओपन करेंगे डोर, उससे क्या होगा, आपका डोर ओपन होगा लेकिन आप पुश करने के लिए, मतलब पूरा नहीं खुलेगा, थोड़ा सा ही खुलेगा। इससे ये होता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया रियर व्यू मिरर में और पीछे से कोई व्हीकल या कुछ भी आ रहा है, साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कोई कार हो, तो कोई भी व्हीकल पीछे से आ रहा है तो वो सतर्क हो जाता है कि आप डोर ओपन कर रहे हैं। और राइट हैंड से अगर ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ओपन होता है तो उसको समझने का टाइम नहीं मिलता है और उससे बैंग हो जाता है। तो यही एक छोटी सी बात है, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये है कि आप अपनी गाड़ी से किसी को हार्म नहीं पहुंचा पा रहे। मतलब आपने अगर रियर व्यू मिरर में, जैसे कि इस मिरर में, अपने ध्यान नहीं दिया कि पीछे से कोई व्हीकल आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आप राइट हैंड से ओपन करते हैं तो पीछे से कोई आता है तो वो हिट करेगा आपके डोर में, तो आपको भी चोट लग सकती है। अगर आपका आप उतरने लगे हैं उस समय कोई व्हीकल आपको हिट करती है तो आपको भी चोट लग सकती है। अब बात करेंगे सेकंड ट्रिक टिप की। ये एक ऐसी टिप है जो आप अगर कार में बैठे हैं, आप अपनी कार चलाते हैं तो आपको पता रहता है कि आपका पेट्रोल लिड किस तरफ है। अगर आप कोई कार चला रहे हैं किसी आपके फ्रेंड सर्कल की है या किसी फैमिली मेंबर की है, तो आपको उस समय हो सकता है आपको पेट्रोल या डीजल का लिड नहीं पता है। पेट्रोल पंप में आप जाएंगे तो आप लेफ्ट में लिड है या राइट में लिड है वो ओपन कैसे होता है, तो आपने ये अंदर बैठे आपको पता लगाना है कि आपका लिड किस तरफ है। तो ये सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही होता है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो पेट्रोल का जो सिंबल है उसके पास में ही यहाँ पे ये जो लेफ्ट में छोटा सा ट्रायंगल एरो बना हुआ है, ये जो पेट्रोल का सिंबल बना हुआ है उसके पास में देखिए लेफ्ट में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, तो इससे ये बता रहा है कि आपका पेट्रोल लिड जो है वो लेफ्ट साइड में है, और जिसके राइट में होता है तो उसका ये पेट्रोल का जो सिग्नल है उसके जस्ट राइट साइड में ही लिड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेट्रोल पंप में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिप के लिए। तो इस ट्रिप में ये आपने देखना है, गाड़ी में अंदर बैठे हैं आप, कार स्टार्ट है, तो आपका स्टेयरिंग जिस तरफ घुमा हुआ है ये तो स्ट्रेट है, लेकिन स्ट्रेट होने के बावजूद आपका टायर जो है राइट तरफ भी हो सकता है और लेफ्ट तरफ भी हो सकता है। जैसे ये स्टेयरिंग स्ट्रेट है, अगर पूरी तरह से इसको घुमा देते हैं तो ये वापस से स्ट्रेट हुआ, बट आपका टायर जो है वो हो जाएगा राइट की तरफ, जैसे क्योंकि मैंने स्टेयरिंग राइट की तरफ घुमाया है। आइए देखिए, कार के अंदर बैठ के आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये स्टीयरिंग तो सीधा है, टायर सीधा है या नहीं। तो सबसे पहले आपने करना ये है, क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, तो आपने स्टीयरिंग को पकड़ के धीरे से गाड़ी बढ़ानी है। तो इससे आपको पता चलेगा गाड़ी किस तरफ जा रही है। अगर राइट तरफ जा रही है तो आप स्टीयरिंग को घुमा के वापिस से सीधा कर लीजिए। तो अगर यही लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, अगर मान लीजिए इस तरह से है, तो आपकी कार अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आप इसे घुमा के वापस सीधा कर लीजिए। तो इससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार का व्हील जो है वो किस डायरेक्शन में है, राइट में है या लेफ्ट में है। स्टीयरिंग आपने उस अकॉर्डिंग घुमा के सीधा कर लेना है। अब अगली टिप में
आपके पावर ब्रेक्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे अभी जो ये जो ब्रेक पैडल है इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, कार स्टार्ट है तो ब्रेक पैडल प्रेस कर रहा हूँ तो पूरी तरह से प्रेस हो रहा है। अभी आप देखें कार स्टार्ट है और ये ब्रेक पैडल पूरी तरह से प्रेस हो रहा है। अभी मैं कार ऑफ करूँगा, इग्निशन मैंने ऑफ कर दिया। अब इग्निशन ऑफ करने के बाद अब जब भी ब्रेक पैडल में प्रेस करेंगे तो एक पंप जैसी फील आएगी आपको, जिससे कि ब्रेक ऑयल आपके ब्रेक पैड तक जाता है। तो आप इसको प्रेस किए, एक बार पूरी तरह से प्रेस हो गया, दोबारा प्रेस किए ये भी पूरी तरह से प्रेस हो गया, ये तीसरी बार किए तो हार्ड हो गया ब्रेक जो है, अच्छे से हार्ड हो गया, ये पूरी तरह से प्रेस नहीं हो रहा। इससे पता चल रहा है कि आपका ब्रेक बूस्टर जो है वो काम कर रहा है। तो ये अब आप जैसे कार इग्निशन जैसे ही ऑन करेंगे, अभी मैंने ब्रेक पैडल प्रेस कर लिया है और ये दो से तीसरी बार प्रेस किया तो ये हार्ड हो गया है। अब ध्यान रहे गाड़ी बंद है तो और ब्रेक पैडल हार्ड है। अब मैं कार को इग्निशन ऑन किया मैंने, लेकिन ब्रेक पैडल मैंने अभी भी दबा रखा है, प्रेशर क्रिएट कर रखा है ब्रेक पैडल पे। जैसे ही स्टार्ट करूंगा, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ब्रेक पैडल पूरी तरह से अंदर चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि आपके ब्रेक्स और ब्रेक बूस्टर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। और अगर ये प्रेस नहीं होता है तो आप ये जान लीजिए कि आपके ब्रेक बूस्टर कोई माल फंक्शनिंग हो रही है। तो ये बहुत ही मतलब इमीडिएटली आपने सर्विस सेंटर में या अपने मैकेनिक से इस बारे में जानकारी देके और इसे ठीक करवाना है। अब हम बात करेंगे कार स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन कौन सी छोटी सी चीज है जिससे आप चेक करें स्टार्ट करने से पहले। आपने ड्राइविंग स्टार्ट की गाड़ी में जैसे ही बैठे तो आप इसे चेक करें कि आपने क्या क्या है, ये जो एक चेकलिस्ट सी है। तो पहली चीज जो सीट बेल्ट है इसे तो जरूर लगाएं। अगर ये नहीं लगती है तो आपके इंडिकेटर की लाइट जलती है और जो इनको भगवान ना करे कुछ होता है तो आपके एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं होंगे। एयरबैग्स जो मेन सेफ्टी फीचर्स है वो काम करना बंद हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी, आपको एक मतलब वो फील नहीं आता है अगर आप कोई फास्ट ड्राइव कर रहे हैं या कहीं आपको स्पेस मिली है, आप अच्छे से स्पीड अप ले रहे हैं कार को, तो आपको अपनी बॉडी ही रोल सी फील होगी। कोई जर्क आएगा, कुछ भी आएगा, आपको बॉडी रोल फील होगी। तो सीट बेल्ट का ये बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज है कि आपको स्टेयरिंग आपको बहुत अच्छे से होल्ड करने का एक सुविधा मिलती है। दूसरी चीज, जैसे ही आप कार में बैठे तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये चेक करना है कि आपका नॉब जो है, आपका गियर नॉब जो है वो किस डायरेक्शन में, मतलब आप गियर लगा हुआ है या न्यूट्रल में है, सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है। उसके बाद जैसे ही आप कार स्टार्ट करने लगेंगे आपने क्लच दबाना है। क्लच दबाने के बाद ही सेल्फ लेना है, मतलब जैसे आप स्टार्ट करें ये कार को। और बहुत सारी कार्स में तो ये फीचर्स ही है जो मैनुअल है, उसमें क्लच दबाए बिना आप कार स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ये एक सेफ्टी फीचर्स की तरह ही है, जैसे कि अगर कोई गियर लगा हुआ है, सपोज फर्स्ट गियर लगा हुआ है कार में और आपने स्टार्ट की तो कार मतलब अगर इंजन स्पार्क ले लेता है तो वो स्पीड अप ले लेगा सीधा, तो ये आपको मतलब उस समय संभालने का टाइम भी नहीं मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है कि आप क्लच प्रेस करके ही स्टार्ट करें, भले ही न्यूट्रल में हो चाहे गियर में हो। अगली टिप जो कि ये है, ये जो रियर व्यू मिरर है, ये इससे आपको पीछे की जो भी व्हीकल आ रही है या आपका जजमेंट है, आपका रोड है, तो आपने ये देख के ही रिवर्स करना है या आगे करना, तो इसके ही जजमेंट से आप कार चलाते हैं। और जैसे कि कोई वॉल है या कोई पिलर है, आपकी कार उसके पास से जा रही है, तो आपको जजमेंट ये लेना है कि कितने दूरी में है आपकी गाड़ी पिलर से या कोई ऑब्जेक्ट से। तो इसे एडजस्ट करना बहुत ही जरूरी है अपने अकॉर्डिंग से। जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, मेरे आई व्यू से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज मैं दिखाना चाहूंगा ये जो रियर व्यू मिरर है राइट साइड का, तो मैं जैसे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ये जैसे ऑटोमेटिक है तो अंदर से ही एडजस्ट हो जाता है। जो मैनुअल होते हैं वो हाथ से आपको फिंगर से एडजस्ट करना होता है। आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है, जैसे कि ये आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये जो है इसमें आपकी कार की बॉडी
जो पीछे की बॉडी है वो दिखनी चाहिए, वो दिख रहेगी तो आप जजमेंट कहीं का भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से मतलब टच हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसे एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। सेम चीज ये लेफ्ट के मिरर से है, अगर आप देखेंगे आपकी बॉडी थोड़ी सी दिख रही है तो ही करेक्ट पोजीशन है इसकी। और जैसे कि ये रियर व्यू मिरर अंदर की तरफ से, तो इससे आपको क्लियरली देखना चाहिए कि पीछे के दो विंडो की जो पीछे की जो लोकेशन है पूरी तरह से दिखनी चाहिए। और एक बात इसमें जानकारी देना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पीछे से जो व्हीकल आपकी फॉलो कर रही होती है उसकी लाइट बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है, जो आपकी आंखों में लगती है और आपको आगे बहुत मतलब एक तकलीफ सी होती है ड्राइव करने में। तो ये जो स्विच है अभी तो बहुत सारी गाड़ियों में ऑटोमेटिक आने लगा है, रात में अपने आप डिम हो जाती है लाइट पीछे से, और ये जो स्विच है अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये लाइट हो जाएगा। अभी देखिए ये डार्क सा शेड हो गया, एक ये क्लियर है और ये डार्क सा एक शेड हो गया, तो इससे क्या होगा पीछे से कोई भी व्हीकल आ रही होगी तो वो आप उसकी लाइट जो हेडलाइट है आपकी आंखों पे मतलब उतनी शार्पली नहीं पड़ेगी। अब एक और खास बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आप ड्राइविंग करके कहीं पहुंच गए हैं, आपने कार पार्क कर दी है, उसके बाद आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अपनी कार को सेफ रख सकते हैं। पहली चीज, आपने जो न्यूट्रल किया हुआ है इसे तो ध्यान रखें कि आप गियर में रखें, फर्स्ट गियर में कार को रखें। इससे क्या होता है कि अगर कहीं स्लोप है या ऐसी कोई जगह है जहां आपकी कार मूव आउट हो सकती है तो उससे फर्स्ट गियर में रहने से मूव आउट नहीं होगी, और साथ ही आप हैंड ब्रेक भी पुल कर लें। ध्यान रहे गाड़ी जब भी आपकी बारिश में या पानी में चली हो हैंड ब्रेक पुल ना करें, उससे क्या होता है ब्रेक्स और ब्रेक पैड में इतना मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो जब पानी लग जाता है और आप 2 घंटे बाद अगर कार के आएंगे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो जो पानी इसके बीच में है तो वो पानी ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से ये एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वो ब्रेक्स अप्लाई ही रहती है। आप अगर आप हैंड ब्रेक हटा भी देंगे तो भी ब्रेक्स अप्लाइड रहेंगी, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज हो जाती है। आप कार स्टार्ट करेंगे आपकी कार आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपके जो हैंड ब्रेक है जो कि दूसरे ब्रेक्स हैं उसकी जो प्रॉब्लम हुई है वो जैम हो जाते हैं, तो उसको आपको फिर मैकेनिक के पास ले जाके उसको ठीक कराना पड़ता है। ये तो हो गई हैंड ब्रेक अगर आप बारिश में या पानी में चलाए हो तो नहीं अप्लाई करें। और बाद की बात है, जो अगर आप जैसे कि विंडोज ओपन है, एसी ऑन नहीं हुआ है किसी वेदर में, तो आपके विंडोज ओपन है तो विंडोज चारों चेक कर ले आपने लॉक कर लिए हैं, और आपकी कीज जो है कीज ध्यान मतलब अगर ये ध्यान रहे कीज आपने निकाल ली है इग्निशन से और आप कार्ड को लॉक करेंगे बाहर निकल के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आपने ध्यान रखना है। और इसके बारे में एक और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ कार पार्क की है, मैं कार इग्निशन ऑफ कर दिया, मैंने कीज लगी हुई है, और अगर मैं ये जैसे मैं कार से निकलने की ट्राई करूंगा, जैसे ये इग्निशन मतलब कीज लगी हुई है और मैं कार से निकलने की ट्राई करूंगा तो ये बीप बज गई है। ये एक फीचर है कि आप कीज अपनी भूल गए हैं, तो इस ये एक हाई एंड कार है तो उसमें फीचर्स है, हो सकती है कोई एंट्री लेवल कार हो उसमें ये फीचर्स नहीं होती हैं, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपने कीज छोड़ दिया, तो इस चीज का ध्यान रखें कीज आप निकाल लें। और एक फीचर है इसमें, जैसे कि हेडलाइट मैं ऑन छोड़ देता हूँ, अभी जैसे मैंने हेडलाइट ऑन कर ली है, कार स्टार्ट थी मैंने एक हेडलाइट ऑन कर ली है, और जैसे ही मैंने इग्निशन ऑफ किया ये आप देख सकते हैं कि हेडलाइट ऑन है, यहाँ ये लाइट जल रही है, हेडलाइट ऑन है, तो जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा और कीज निकाल ली तो ये हेडलाइट ऑन का सिंबल बता रहा है मेरे को, बीप बज रही है, जैसे कि आप पता चल जाता है कि आपने हेडलाइट ऑन रखी है।